भिवानी के भवानी खेड़ा में सीएम खट्टर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रखी आधारशिला। 37 एकड़ में बनने वाले कॉलेज के निर्माण में 189 करोड़ रुपए खर्च, 2 साल में बनकर होगा तैयार। भिवानी में सीएम की सभा में महिला का हंगामा, महिला सीएम से करना चाहती थी मुलाकात, सुरक्षा कर्मियों ने महिला को हिरासत में लेकर हंगामे को कराया शांत। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में खाली प्लॉट में कूड़े के ढेर में मिली नवजात बच्ची, लोगों ने आवाज सुनी, बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, बच्ची की हालत खतरे से बाहर। रोहतक में पैसे लेकर पास कराने के गुरक धंधे का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 2 युवकों को 300 आंसर शीट के साथ गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश कर 7 दिन के रिमांड पर पुलिस ने पूछताछ के लिए लिया। फरीदाबाद में मिडडे मील की गाड़ी की चपेट में आने से छठी क्लास के एक छात्र की मौत, सारण गांव के सरकारी स्कूल में हुआ हादसा, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। हरियाणा के कई जिलों में चोटी काट गिरोह का आतंक, विवाद महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद के बाद रेवाड़ी में भी चोटी गिरोह ने बुढ़पुर गांव में घर में सो रही एक महिला की काटी चोटी, बेहोशी की हालत में महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। जींद जिला जेल की सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल, जेल की सुरक्षा में तैनात जेल वार्डन की लाश जेल में ही मिली, शव मिलने की घटना पर जेल प्रशासन ने साधी चुप्पी। फतेहाबाद में रेप के झूठे मामले में फंसाकर राशन डिपो संचालक से 1,20,000 रुपए ऐंठने का मामला आया सामने, पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 20,000 की नकदी बरामद। रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित गोल्डन हार्ट रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत, रिजॉर्ट प्रशासन को नहीं लगी इसकी भनक, काफी देर तक स्विमिंग पूल में पड़ा रहा शव। गुरुग्राम नहर में डूबने से 2 छात्रों की मौत, मृतक छात्र 10वीं और 12वीं के थे, दोनों छात्रों के शव की गोताखोरों की मदद से नहर में की जा रही है तलाश। नू के जोगीपुर रोड पर विजय गैस एजेंसी पर बीती रात लग्जरी गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने फायरिंग की, घटना में किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगी लेकिन गेट पर कुत्ते को गाड़ी रोकने पर भौंकना भारी पड़ गया, बदमाशों ने कुत्ते को गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नू पुलिस रात में ही गैस एजेंसी पर पहुंची, लेकिन बदमाश अब तक फरार हो चुके थे, बदमाश पूरी तरह बेखौफ थे, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, लेकिन अंधेरा होने के कारण गाड़ी का नंबर और बदमाश साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे। पंचकुला की सीबीआई अदालत ने की डेरा सच्चा सौदा के साथ भी यौन शोषण मामले की सुनवाई, दोनों पक्षों की गवाहों के बयान किए दर्ज, मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। करनाल में एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार, गरीब मजदूर की निर्माणाधीन बिल्डिंग में करंट लगने से मौत के बाद बिल्डिंग के मालिक और ठेकेदार ने गरीब मजदूर को पहचानने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने से किया मना। नरवाना के भीके वाला गांव में फरवरी में शराब ठेके पर हुए ब्लाइंड मर्डर मामले में पुलिस पर गांव के एक युवक को हिरासत में लेकर 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगा है, पुलिस पर युवक की टांगों पर मुसली चलाने और करंट लगाने का आरोप। फतेहाबाद की टोहाना शहर से बाहर निकलते हुए हिसार रोड पर 90 के दशक की शुरू हुई एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड फैक्ट्री कहे जाने वाले न्यूकम लिमिटेड न्यूवुड MDF आज टुकड़ों में नीलाम होने जा रही है।